हाय गाइस, वेलकम बैक टू मोडिफाइड व्लॉग्स। मैं हूं अमित अनाज। के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेट्रा क्लीन के इस कार पॉलिश के बारे में, जिसको मैं आज करूंगा अप्लाई मीटियोर पे, जो कि है अनुराग भाई की। सो थैंक यू सो मच अनुराग भाई फॉर लेटिंग मी डू द वर्क ऑन योर बाइक। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मैं ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुका हूँ अपने स्कूटर्स पे। तो आज इसको अप्लाई करेंगे हम अपने मीटियोर पे। किस तरह से काम करता है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, कितने प्राइस का, कहाँ से ले सकते हैं, सब कुछ आपको पता चलेगा इस वीडियो में। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स बिगिन। ऑलराइट गाइस, सो ये है पैकेज, जैसे कि आप देख सकते हो ये है टेट्रा क्लीन का कार पॉलिश। तो जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। ये देख सकते हो इसमें ये इस तरह से आता है, बेसिकली ये एक स्प्रे बॉटल में आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कार पॉलिश हाई ग्लॉस टेट्रा क्लीन का। तो किस तरह से काम करता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंशन है। ये सिलिकॉन शाइनी एंड कर बना वैक्स पॉलिश है, तो काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है। एंड इसको चेक करेंगे अभी हम किस तरह से ये पूरा परफॉर्मेंस देता है। सो बाकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी बैक साइड पे। एंड इसकी प्राइस अगर देखें तो 599 है, बट ये आपको अमेजोन पे 399 का मिल जाएगा। और इसके बारे में देख सकते हो सारी डिटेल। ये जो बॉटल है 500 ml की है। तो अब बिना टाइम इसके जल्दी से इसको अप्लाई करते हैं एंड चेक करते हैं किस तरह से ये काम करता है। तो इससे पहले यहाँ पे मेरे पास दो माइक्रोफाइबर क्लॉथ हैं, एक से मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर दूंगा, मतलब बेसिकली जो डस्टिंग रहती है वो करूँगा। तो जितनी भी धूल मिट्टी वगैरह है उसको हम हटा लेंगे। एंड इसके बाद इसको अप्लाई करेंगे एंड इसके बाद बफिंग करेंगे इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ से। तो क्लीन एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लिया हमने, इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं हम। तो ये है इसके साथ एक स्प्रे नोजल, एप्लीकेटर। सबसे पहले इससे हम पूरा क्लीनिंग कर लेंगे, तो जो भी डस्ट वगैरह है उसको हम क्लीन कर लेंगे पहले। तो ये मैं इस तरह से क्लीन कर ले रहा हूँ, जो भी पेंटेड सरफेस है उसके ऊपर हम ये कर लेते हैं। इससे क्या डस्ट वगैरह जो रहती है वो चीज़ हट जाएगी। अभी बैक साइड पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डर्ट है, तो सैंड पार्टिकल्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से ये पूरा एक हो गया है, बारिश में ऐसा हो जाता है। तो ये चीज़ को हम बाद में करेंगे, बिकॉज ये अगर हम करके अब नेक्स्ट सर्फेस पर मूव करेंगे तो वो स्क्रैच देगा, इसके लिए उसके ऊपर लास्ट पर जाएंगे। अभी ये बैक साइड पर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत डस्टिंग कर दी है जहाँ पे भी धूल मिट्टी वगैरह थी। अब सिंपली क्या करना है, हमको इसको अच्छे से शेक कर लेंगे। एंड मैं आपको एक बार कंडीशन दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो यहाँ पे ये जो मार्क्स हैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ से नहीं जाते, इनको क्लीन करने के लिए आपको पॉलिश वगैरह यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे पास कारोवाना वैक्स है जो कि इस कार पॉलिश में है, तो इसकी मदद से क्लीन करके देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली इसके ऊपर स्प्रे करना है। तो यहाँ पर हम ऑन कर लेंगे स्प्रे पे। नाउ लेट्स स्प्रे दिस ऑन दिस टैंक। तो बस इस तरह से आपको पूरे टैंक पे स्प्रे कर लेना है एंड जस्ट एक साइड से हम इसको स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। और जब आप इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड करेंगे तो एक हेजीनेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्लॉस जो था वो पूरा हेजीनेस आ रहा, मतलब एक सैटिन फिनिश में आ गया ये। तो बस यही करना है आपको, इसको इस तरह से स्प्रेड करना है और इसको छोड़ देना है कुछ 2 से 5 मिनट के लिए स्प्रेड करने के बाद। तो ये हो गया पूरा, और अभी आप देख सकते हो जो इसके ऊपर फिनिश है वो बिल्कुल सैटिन फिनिश आ गई है, ग्लॉस जो था वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। तो अब इसको 2 से 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे एंड इसके बाद हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। तो देखते हैं क्या चेंज आता है इसमें, हो गया है कि नहीं। इसके लिए चेक करने के लिए आप इस तरह से एक स्वाइप करोगे तो आपको ये क्लियर दिखेगा, मतलब ये आप बफ कर सकते हो इसको। सिंपली इस तरह से माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेना है एंड इसको सर्कुलर मोशन में आपको बफ करना है। तो ये आपको करते रहना है जब तक आपको जो डिज़ायर्ड ग्लॉस फिनिश आपको चाहिए वो मिलती नहीं है, तब तक आप इसको बफ कर सकते हो। तो इसके ऊपर जितने भी गंदगी वगैरह थी वो सब क्लीन हो चुकी है। अभी आप देख सकते हो कुछ भी यहाँ पे मार्क्स वगैरह नहीं बचे हैं। बस आपको यही करना है, थोड़ा सा प्रेशर लगाना है और इस तरह से बफिंग करते रहना है। नाउ यू कैन सी इट्स वेरी स्मूथ एंड कहीं से भी कुछ भी
स्टिकी जैसा कुछ फील नहीं हो रहा है इसके ऊपर, एंड काफ़ी अच्छे से एक फ्रेगनेंस आ रही है इसके साथ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अब नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, मैं यहाँ पे करूँगा एंड इसके बाद देखते हैं किस तरह से यहाँ पे रिजल्ट आते हैं। एंड गाइस, जो वाटर मार्क्स है ना वो आप इसको अप्लाई करोगे और तुरंत ही वो चले जाएंगे, मतलब इसके लिए आपको बफिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इस तरह से अप्लाई करते हो और वाटर मार्क्स चले जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर मार्क्स हैं, क्लियर आपको दिख रहा होगा ये चीज़। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा एंड ये देख सकते हो इट्स गॉन कम्प्लीटली, एंड यहाँ पर अभी ये एक हेजी सा क्रिएट हो गया जो कि बफ करने के बाद बिल्कुल शाइन करेगा क्रोम में। तो इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एंड अब पीछे चलते हैं, पीछे वाले फेंडर की तरफ। तो अब बचा है सिर्फ ये फ्रंट फेंडर, तो यहाँ पे भी स्प्रे करते हैं एंड इसके ऊपर भी कर लेते हैं अच्छे से अप्लाई। सो गाइस, अब हो गए हैं लगभग 5 मिनट पूरे, तो अब इसको जल्दी से करते हैं बफिंग। तो सर्कुलर मोशन में आपको इस तरह से करना है इसको बफ। तो ये देख सकते हैं विंडशील्ड एरिया जो है बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे क्लीन हो रहा है एंड पूरी तरह से जो शाइन है उसमें आ रही है। ऑल्दो दिस इज़ अ प्लास्टिक पार्ट, बट देख सकते हो कितने अच्छी तरह से उसके ऊपर भी काम कर रहा है। ये जो हेजीनेस थी यहाँ पे पूरी जा चुकी है एंड जो गंदगी थी, वाटर मार्क्स थे, सब यहाँ से डिसअपेयर हो गए हैं। एंड आप देख सकते हो अभी ये कैसा दिख रहा है और कितने जल्दी हो गया, मतलब विद इन 5 मिनट्स ये चीज़ हो चुकी है। ये देख सकते हो रिज़ल्ट आपके सामने है किस तरह से ये विदाउट एनी वॉशिंग ये इस तरह से शाइन दे रहा है। तो लास्टली ये बचता है रेयर फेंडर, तो अब इसके ऊपर भी हम कर लेते हैं क्लीनिंग। सो ये ऑलमोस्ट देख सकते हो आप यहाँ पे कंप्लीट हो गया है एंड जो शाइन है वो आप देख सकते हो, मिरर फिनिश यहाँ पे आ रही है इस ब्लैक पार्ट पे। एंड ये पूरा जो रेयर एंड था कितना गंदा था और अभी आप देख सकते हो किस तरह से ये शाइन कर रहा है, बहुत ही कम अफोर्ड में ये रिजल्ट आए हैं। सो काफ़ी अमेजिंग तरीके से ये प्रोडक्ट काम करता है एंड डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा किसी को भी, अगर आप ग्लॉस पेंट सरफेस को क्लीन एंड पॉलिश करना चाहते हो तो ये हाई ग्लॉस कार पॉलिश काफ़ी अच्छा है टेट्रा क्लीन की तरफ से। एंड डेफिनेटली मैं इसको रिकमेंड करूँगा अगर आपके पास ग्लॉस पेंट है, बाइक, कार, साइकिल, कोई भी ऐसा ऑटोमोबाइल है जिसको आप पॉलिश करना चाहते हो, क्लीन करना चाहते हो, तो कार पॉलिश टेट्रा क्लीन का ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है। सो गाइस, एक बार चेक कर लेते हैं इसके ऊपर वाटर बीडिंग इफेक्ट किस तरह से रहता है। तो यहाँ पर मैं पानी डाल के देख लेता हूँ, तो ये थोड़ा सा पानी इसके पे डालते हैं, देखते हैं किस तरह से यहाँ पे इफ़ेक्ट रहता है पानी का। तो ये देख सकते हो जैसे पानी डालेंगे पानी पूरा तरह से नीचे चला जाता है, और हालांकि वाटर बीडिंग इफेक्ट इस पे नहीं आ रहा है बट जो पानी है वो पूरी तरह से नीचे बह जाता है, बिकॉज इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जो वाटर है इसके ऊपर स्टे नहीं रहेगा ज़्यादा टाइम तक। एंड ये बिल्कुल सिंपली एक वाइप करने पर ये पूरा हट जाएगा। एंड अभी भी वो लेयर यहाँ पर फील हो रही है, मतलब वो स्मूथनेस यहाँ पर फील हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वाटर के बाद ये ख़राब हो जाएगा या रेन उनके बाद ये इतनी जल्दी हट जाएगा, तो डेफिनेटली 1 से 2 वीक तो ये चली जाएगा आराम से। सो क्योंकि इसके ना यहाँ पे कार्बोना वैक्स है जो कि ब्राज़ीलियन वैक्स होता है एक तरह का, तो काफ़ी अच्छी रिजल्ट आपको यहाँ से मिलती है एंड डेफिनेटली ये प्रोडक्ट वर्थ है, बिकॉज 399 में आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है एंड ये मुश्किल से कुछ 10 ml यूज़ हुआ होगा, इतना कम क्वांटिटी में ये यूज़ होता है एंड काफ़ी अच्छी रिजल्ट दे रहा है, और रिजल्ट आपके सामने है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो टैंक एरिया था कितना सारा गंदा था, यहाँ पे स्पॉट्स है छोटे छोटे जो बर्ड ड्रॉप्स होते हैं और इंसेक्ट की जो ड्रॉपिंग्स होती हैं वो सब थी, यहाँ पे पूरी तरह से जा चुकी है। एंड सेम आगे जो फ्रंट फेंडर था यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टेन्स थे, वाटर मार्क्स थे एंड डस्ट थी, सिमिलरली पीछे भी वही चीज़ थी। तो अभी आप देख सकते हो डिफरेंस पहले में और अब में कैसा दिख रहा है, ये बिल्कुल ग्लॉसी यहाँ पे फिनिश आ गई है एंड कितना कम अफोर्ट लगा, आपके सामने मैंने सब कुछ किया है तो आप देख सकते हो। सो प्रोडक्ट काफ़ी सही है।
सो गाइस यही प्रोडक्ट था जिसको मैंने ट्राई किया है एंड आप देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने किस तरह से ग्लॉक्स पेंट के ऊपर शाइन आ रही है। तो काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है बिकॉज इसके अंदर है पॉलीमर प्रोडक्शन लेयर जो कि एक प्रोडक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है जो भी ग्लॉस और पेंटेड सर्फेस रहते हैं। तो काफ़ी सही प्रोडक्ट है बट आपको इसको ध्यान रखना है जब भी आप इसको अप्लाई करें तो ग्लॉस पेंट सर्फेस पर होना चाहिए, आपको इसको मैट पेंट सरफेस पे अप्लाई नहीं करना है जैसे कि सिग्नल्स हो गई या गन मेटल ग्रे हो गया या स्कूटर्स में एक्टिवा जो मैट पेंट में आते हैं तो वहाँ पे आपको उसका अप्लाई नहीं करना है अदरवाइज आपको जो पेंट सरफेस है वो ख़राब हो जाएगा एंड ग्लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, इसकी बेस्ट फाइलिंग आपको हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आप वहाँ से इसको ले सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग मोटिफाइड ब्लॉग, स्टे सेफ, राइट सेफ एंड बाय।